मेरे प्यारे प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल इस्लामिक वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे काम के बारे में जो हम सबके घर में होता है। दोस्तों, अगर आपके घर में गुर्बत है, गरीबी है, तो आप इस काम को भूलकर भी ना करें, इंशाअल्लाह फिर आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। दोस्तों, बासी रोटी जो हम सबके घरों में होती है, और हम क्या करते हैं उनका, या तो उन्हें फेंक देते हैं या फिर जानवरों को खिला देते हैं। मगर आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बासी रोटी के बारे में हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत उम्मे हनी रदी तआला अन्हा फरमाते हैं कि एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ फरमाते हैं। मेरे घर आने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि आपके घर में कुछ खाने के लिए होगा। तब हजरत उम्मे हनी रदी तआला अन्हा ने कहा, या रसूलुल्लाह, खाने के लिए तो घर में कुछ भी नहीं है, मगर हाँ, कल रात की कुछ रोटियां बची हुई हैं, इजाजत हो तो उन्हें ले आऊं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, आप उन्हीं को ले आओ। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बासी रोटी में शिफा है, बरकत है, और जिस घर में रोटी की कदर की जाती है उस घर में कभी भी रोटी की कमी नहीं होती है, उस घर में कभी भी गुर्बत नहीं आती है। दोस्तों, हमारे नबी ने बासी रोटी में इतनी शिफा बताई है, इतनी बरकत बताई है, जिनसे आज हम दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों, अल्लाह के एक वली थे जो हमेशा बासी रोटी ही खाते थे। किसी ने पूछा कि आप बासी रोटी ही क्यों खाते हो, तो वो वली फरमाने लगे, आने वाला वक्त हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकतों से हमें दूर कर रहा है, और ये बासी रोटी मुझे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करीब करती है, और बासी रोटी मेरी रूहानी और जिस्मानी ताकत को भी बढ़ाती है। दोस्तों, बासी रोटी से मुराद है एक दो दिन की बची हुई रोटियां, यानी खाना खाने के बाद जो रोटियां बच जाती हैं उसको हम बाद में बासी रोटियां बोल देते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग क्या करते हैं कि बची हुई रोटियों को बाहर फेंक देते हैं, जिससे रोटी की बेकदरी होती है, ऐसे घरों में खैर बरकत नहीं होती है। दोस्तों, ऐसा करना गुनाह है, गलत है, तो ऐसा आप भूल कर भी ना करें, क्योंकि दोस्तों हमारे नबी ने खुद फरमाया है कि बासी रोटी में शिफा है, और जिस घर में रोटियों की कद्र होती है तो उसके घर में कभी भी गुर्बत नहीं आती है, गरीबी नहीं आती है, वो कभी भी परेशान नहीं होते हैं, उनके घर में कभी भी तंगी नहीं आती है। तो दोस्तों, बासी रोटियों को ना फेंका करें, पहले आप बची हुई रोटियों को खाएं, उसके बाद अगर फिर रोटियां बच जाती हैं तो आप उनको रख दें, और जब आप खाना हो तब आप उन रोटियों को गर्म करेंगे तो वैसे ही तरोताजा हो जाएंगी जैसे आपने अभी बनाई हो। तो दोस्तों, ये हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान था जो आप लोगों तक पहुँचाना बहुत जरूरी था। अब आप भी अपने दोस्तों तक इस फरमान को जरूर पहुँचाएं, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम हर रोज आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।